ये है हर की पैड़ी, जहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। और आप देख रहे हैं श्रद्धालु किस तरह से जा रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। श्रद्धालु जा रहे हैं वो अलग है, और वहाँ पे ऑलरेडी कितने श्रद्धालु हैं वो आप देख रहे हैं। यहाँ पे भीड़ दिखाते हैं श्रद्धालुओं की, यहाँ पे तो देख रहे हैं किस तरह से जगह नहीं है खड़े होने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखा है। और इस तरफ का भीड़ आप देख ही लीजिए, यहाँ पे पुरोहित बैठते हैं और जो अस्थि विसर्जन करने आते हैं उनके पूरी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। और फिर और पूरे घाट फूल रखे हैं। ये है अपर रोड मार्केट, और इधर से आप जाएंगे तो मोती बाज़ार की ओर जा सकते हैं। और मनसा देवी की रोपवे का मार्ग इधर से है, घाटों पे जाने के लिए मार्ग यही है। यहाँ से मनसा देवी से रोपवे से अगर हम कहीं हर की पैड़ी का तो लगभग 1.5 किलोमीटर है, यहाँ से हम पैदल भी जा सकते हैं। और आप देख रहे हैं आपको पैरिक्शे ई-रिक्शे मिल जाएंगे, जो 10 रुपया का किराया आपको देना होगा। काफ़ी सारे होटल धर्मशाला यहाँ पे मिलेंगे, इसी कारण यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। देख रहे हैं खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं, शॉपिंग के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, और ऊपर रुकने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है हरिद्वार दर्शन के, कहाँ पर रुके और खाने पीने की क्या सुविधा यहाँ पर होने वाली है, और शॉपिंग कहाँ पर आप कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर 2 प्रमुख मार्केट है, तो दोनों प्रमुख मार्केट का दृश्य हम आपको इस वीडियो में दिखाएँगे, और साथ में प्रमुख घाट हर की पैड़ी का भी दृश्य दिखाएंगे। अगर आप सिंगल आते हैं तो यहाँ पे डॉर्मेट्री है, ये मनसा देवी के पैदल मार्ग और मनसा देवी के रोपवे के मार्ग के सेंटर पे ही है। कुछ देर में हम पहुँच जाएंगे मनसा देवी की पैदल मार्ग के पास। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि यहाँ पे हम लोग बिना लहसुन प्याज के खाना कहाँ पे मिले, तो ये एक अंबर होटल है जहाँ पे आपको बिना लहसुन प्याज से खाना मिल जाएगा। और इधर ये सोनी भोजनालय है, और साथ में सोनी भोजनालय का 2 यहाँ पे होटल है, दोनों जगह आपको काफ़ी अच्छे खाने मिलेंगे। हम आ चुके हैं मनसा देवी के पैदल मार्ग के पास, देख रहे हैं श्रद्धालु की संख्या कितना ज़्यादा है, जो कि प्रमुख मार्केट होने के साथ साथ यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हर एक गलियों पे आपको रास्ता ही दिखेगा ऊपर पहाड़ों की ओर जाते हुए। हर की पैड़ी के लिए आपको ये ई-रिक्शे मिल जाएंगे, तो आप आराम से हर की पैड़ी जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से हर की पैड़ी की जो दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर है, आप आराम से पैदल आ सकते हैं, अगर पैदल भी आ सकते हैं क्योंकि आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे ही रास्ता है, आप दोनों किनारों में आपको होटल धर्मशाला मिलेंगे, अब बीच में रास्ते पे आपको भीड़ मिलेगा श्रद्धालुओं की। ये है यहाँ के सबसे पुराने होटल धर्मशाला। हर की पैड़ी से पहले आपको ये लॉकर मिल जाएगा, और भैया अभी आप देखेंगे हर की पैड़ी का दृश्य, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे अभी भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये केवल हर की पैड़ी पे नहीं संपूर्ण घाटों पे देखने को मिलेगा। अभी ये हम पहुँचने वाले हैं प्रमुख घाट के डोर के पास। ये प्रमुख घाट हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड जाने का मार्ग है, जहाँ पे श्रद्धालु की भीड़ आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा है। यहाँ पे जूता स्टैंड है, आप यहाँ पे चप्पल जूता रख के घाट वो में प्रवेश इधर करेंगे, तो चप्पल जूता ना रखें। हम जाएंगे घाट के दूसरे किनारे की ओर, क्योंकि उधर चप्पल जूता निकालने की ज़रूरत नहीं होता। भीड़ आप देख रहे हैं प्रमुख घाट के पास इस तरह का दृश्य है। अभी हम जाएंगे संजय सेतु में, और फिर हम आपको
संजय सेतु से दोनों घाटों का दृश्य दिखाएंगे, नई घाट और हरकी पैड़ी। ये आप देख रहे हैं घाटों का दृश्य, घाट फुल हो रखा है। जल की धारा देख रहे हैं आप कितनी तेज है। आप जब भी हरिद्वार आए, अब 8 मार्च से पहले तो आपको रूम की बुकिंग करनी होगी, क्योंकि भीड़ आप देख रहे हैं, अब ये भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं हरकी पैड़ी के पास रुकने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले जो रूम और बुक होता है वो हरकी पैड़ी के पास स्थित होटल धर्मशाला के बुक होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत से बचने के लिए आप पहले से बुकिंग करवा लीजिएगा ताकि आप सुरक्षित रहे, आप कहीं से भी घूम के आए आप आराम से स्टे कर सकते हैं। ऐसे हमने काफ़ी सारे होटल धर्मशाला हरकी पैड़ी के पास, हरकी पैड़ी से दूर रेलवे स्टेशन के पास, और साथ में हमने बना रखा है भीमगोड़ा, जहाँ पे काफ़ी अच्छी पार्किंग की सुविधा आपको मिलती है। हरकी पैड़ी के पास पार्किंग की जो सुविधा है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि जगह सकरा होने के कारण, भीड़ होने के कारण वहाँ पर दिक्कतें होती हैं, लेकिन भीमगोड़ा में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं पार्किंग के। अब हम आपको यहाँ पे भीड़ दिखाते हैं श्रद्धालुओं की। यहाँ पे तो देख रहे हैं किस तरह से जगह नहीं है खड़े होने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखा है। और इस तरफ का भीड़ आप देख ही लीजिए, यहाँ पे पुरोहित बैठते हैं और जो अस्थि विसर्जन करने आते हैं उनके पूरी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, और फिर रिकॉर्ड के अनुसार ही अस्थि विसर्जन किया जाता है। देख रहे हैं पूरे घाट फुल हो रखे हैं, और यहाँ पे गंगा जी के दो धार आपको देखने को मिलेगी। ये तो हरकी पैड़ी से जो जला रही वो है, और थोड़ा ऊपर करें और जूम करें तो ये है परमू जल की धारा जो कि सीधे भीमगोड़ा बहराइच से आ रही है। और अभी आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरह से अभी आ रही है। अभी सुबह के 11 बजे हैं और ये भीड़ 12-1 बजे तक देखने को मिलेगा, और अभी ठंडी है इसके कारण थोड़ा सा 12-1 बजे तक देखने को मिल रहा है। अगर ठंडी जहाँ पे कम होती है तो आपको ये भीड़ सुबह 7 बजे से 11 बजे देखने को मिलेगा। ये है हरकी पैड़ी जहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ सबसे ज़्यादा होती है, और आप देख रहे हैं श्रद्धालु किस तरह से जा रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। श्रद्धालु जा रहे हैं वो अलग है, और वहाँ पे आलरेडी कितने श्रद्धालु हैं वो आप देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या है जो कि डुबकी लगा रही है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा अब हो रहा है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भीड़ कब तक रहेगा। और मौसम काफ़ी खुल चुका है और हल्की हल्की से कोहरा सुबह देखने को मिलता है, लेकिन दिन में 11 बजे के आसपास आप देख रहे हैं किस तरह से दृश्य देखने को मिलता है। तो आप हरिद्वार की प्लानिंग करें तो आपको रूम की बुकिंग पहले ही करानी पड़ेगी, वो भी हमने आपको बता दिया है। अभी हम चलते हैं नीचे घाट पे और गंगा जी के पावन दर्शन आपको कराते हैं। हम आ चुके हैं हरकी पैड़ी में, भीड़ देख रहे हैं चारों ओर श्रद्धालुओं की, और यही घाट है जहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या होती है सबसे ज़्यादा। और आप देख रहे हैं कुछ लोग कपड़े यहीं पे छोड़ देते हैं, पॉलीथीन देख रहे हैं छोड़ देते हैं, माँ गंगा को प्रदर्शित करते हैं, और गंगा जी की आरती यहाँ पर ही शुरू होती है और लोग इधर पूरा बैठे होते हैं दिव्य आरती के पावन दर्शन करने के लिए। काफ़ी भीड़ होती है गंगा जी की आरती का दर्शन करने के लिए, और आरती में केवल बाहर के ही नहीं लोकल भी होते हैं। और नॉर्मल दिनों का जो भीड़ होता है वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता रखा है, तो आप जाके ज़रूर देखें ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कितना भीड़ होता है। और आप अगर वीकेंड या फिर कोई बड़ा स्नान का दिन देखना चाहेंगे तो वो भी हमने वीडियो बना रखा है ताकि आपको एक जानकारी हो। आप आरती से पहले लगभग 3 घंटे पहले आके बैठ जाएं घाटों पे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो गंगा जी के आरती के दर्शन करने में।